हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार. माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, फिर से स्टडी मटेरियल फाउंडेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी. ये 16th वीडियो है जो कि फ्रेंडली नंबर, अनफ्रेंडली नंबर और न्यूट्रल नंबर के ऊपर है, है ना. ऑलरेडी आप लोग इससे पहले वीडियो देख चुके हैं. चलिए देखते हैं. आज मैं चार नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ऐसा माना जाता है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में कि 2, 4, 7, 8 है ना, बहुत डिफिकल्ट नंबर है. क्योंकि पहले तो सबसे पहले इन नंबर पर नेम न्यूमरोलॉजी नहीं होती है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वैसा कुछ कुछ एक्सेप्शंस है. और इन नंबर पर चूंकि नेम न्यूमरोलॉजी नहीं होती तो इसलिए नेचुरली और बस इसका रिजल्ट बहुत डिले होता है, डिफिकल्टी आता है, जिसकी वजह से लोग इस पर नेम न्यूमरोलॉजी नहीं करते हैं. जबकि मेरा मानना है कि सारे नंबर्स लकी होते हैं, कोई नंबर अनलकी नहीं होता. सारे नंबर्स में इतना ताकत होता है, इतनी शक्ति होती है कि आपको सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में ला सकता है. इसलिए एकदम अपने मन में एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए कि कोई नंबर अनलकी नहीं होता आपके जीवन के लिए. सही समय पे किया हुआ काम है ना, और सही नेम न्यूमरोलॉजी किया हुआ सही कंपाउंड नंबर के साथ अगर आपका नेम न्यूमरोलॉजी हो गया तो आपको वही नंबर आपको फलित हो जाएगा, आपको सुख शांति समृद्धि देगा, जो कि आपके जीवन में डिले डिफिकल्टी लाता है. चलिए बताते हैं कि चार नंबर अवधेव का नंबर है. चार नंबर का मतलब जो 4 तारीख 13 तारीख है ना, 22 तारीख 31 तारीख को जन्म हुआ है किसी भी महीने की, जनवरी से लेकर दिसंबर, तो उसको हम चार नंबर वाले बोलते हैं. राहु देव का निक नेम है सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी एडवाइजर टू द किंग ऑफ प्लैनेट, दैट इज नंबर 1 है ना. और राहु देव को वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्री में यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है. अब चलिए इसका जो फ्रेंडली नंबर है, जो मैंने अपने 3 साल का रिसर्च में देखा, वैसे तो 4, 7, 8 इनका सुपर डुपर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, बट इट्स अ न्यूट्रल नंबर. क्योंकि न्यूट्रल नंबर का मतलब हो गया, पहला एक तो उस पर नेम न्यूमरोलॉजी हम लोग करके नहीं देते हैं, दूसरा ये सारे डिफिकल्ट नंबर है जिसका रिजल्ट देरी से आता है, इसीलिए 4, 7, 8 पे हम नेम न्यूमरोलॉजी नहीं करते. न्यूट्रल नंबर के सिग्नम इसलिए दिए हैं कि आपको नुकसान भी, फायदा नहीं पहुँचाएगा तो नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, लेकिन ये बहुत डिले डिफिकल्टी लाता है. तो एक तरह से नुकसान है ना, न्यूट्रल नंबर का मतलब होता है जो आपको ना बेनिफिट देता है ना लॉस देता है ना, लॉस नहीं करेगा बस वो न्यूट्रल है, कोई फायदा ही नहीं पहुंचाएगा, मतलब कोई आपको कोई तरक्की नहीं देगा, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं. इसलिए इस नंबर का न्यूमरोलॉजी करने से फायदा क्या, कुछ भी नहीं. तो जो लकी नंबर कॉम्बिनेशन में है फ्रेंडली नंबर, वो 3, 5, 6. फ्रेंडली नंबर को गूगल सर्च में अगर हम मारिएगा तो कुछ लोग उसको अट्रैक्टिव नंबर्स भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको वाइब्रेटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, है ना. अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपने अपने हिसाब से सब नामांकन करके रखा है उन्होंने. न्यूट्रल नंबर को पैसिव नंबर भी बोला जाता है ना, और एनेमी नंबर और डिसएग्री नंबर, मतलब डिसएग्री मतलब ही हो गया जो अग्री ना करता हो, और उसको अनफ्रेंडली नंबर भी कहा जाता है. नाम सा सब सेम है, मीनिंग सेम है ना, खाली नाम डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं. 3, 5, 6 पे नेम न्यूमरोलॉजी करने से चार नंबर वालों के सुपर डुपर कॉम्बिनेशन कहा जाता है. 3, 5, 6 पे अगर नेम न्यूमरोलॉजी करके आपने दे दिया चार नंबर को तो सुपर डुपर फलित होगा, लेकिन सही कॉम्बिनेशन पे देना है, सही कंपाउंड नंबर पे देना है. जो भी क्लास में आप डिस्कस जब करते हैं मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, और वो कंपाउंड नंबर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वो कंपाउंड नंबर वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, और जो कन्फ्यूजन डाउट्स हो क्लास में क्लियर करिए अपना, है ना. तो 3, 5, 6 इसका फ्रेंडली नंबर हो गया. न्यूट्रल नंबर का मीनिंग बता दिया मैंने, और ये 1 और 2 के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया. अमृत मंथन स्टोरी के माध्यम से सूर्यदेव और चंद्रदेव, 1 नंबर सन 2 नंबर मून, अमृत मंथन स्टोरी के हिसाब से ये दोनों ही शत्रु, 4 के राहु के शत्रु हैं. क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव के कहने पर ही लॉर्ड विष्णु ने उस राक्षस का सर काटा था, तो सर कट के जो गिरा वो राहु बना, धड़ जो हुआ वो केतु बना था. इसलिए केतु, राहु, केतु दोनों ही सूर्य चंद्रमा का दुश्मन तब से है. और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मज़ेदार बात किया, इसमें भी एक्सेप्शन है, वो बताऊंगा जब नेम न्यूमरोलॉजी कराऊंगा, ठीक है. अच्छा, 9 नंबर एज ए प्लेनेट मार्स फायरी नंबर, 4 नंबर ऑल्सो इज ए वेरी फायरी नंबर. दोनों दो समान लेवल पे अगर कोई व्यक्ति हो ना, 2 IAS, 2 IPS, 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, उनका मेंटल लेवल कभी मैच नहीं करता. क्योंकि दोनों ही अपने आप को दोनों ही तोप समझेंगे, दोनों ही अपने आप को बढ़ चढ़ कर समझेंगे, दोनों ही बोलेंगे आई मी एंड माइंड, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो आपस में कभी पटरी नहीं बैठेगा. ऊपर से अगर हम निकनेम के हिसाब से जाएं तो 9 नंबर हो गया मार्स का नंबर, कमांडर इन चीफ, जो सिर्फ सूर्यदेव की बात मानता है, किंग ऑफ प्लेनेट की बात मानता है. राहु सिक्योरिटी एडवाइजर, दोनों में फर्क नहीं है, कहाँ वो सेनापति है, कहाँ ये सिक्योरिटी एडवाइजर या ऑफिसर है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. इसलिए ये एक दूसरे का एंटी नंबर है, ठीक है. 4 नंबर उसका एंटी नंबर भी है, और एनेमी नंबर भी है, जिसको डिसएग्री नंबर भी बोलते हैं, अनफ्रेंडली नंबर भी है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो कि बहुत सिंपल है ना, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. कुछ भी समझने में दिक्कत हो क्लास में, वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी वजह से छुट्टी पर चले गए या गायब हो गए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए,
वापस आके वीडियो देखिए, क्लास में आके डिस्कशन करिए। मैंने तो आप लोग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे जो भी टाइमिंग दिया है स्लॉट उसमें भी पढ़िए, उसमें भी क्वेश्चन आंसर पूछे हाईली इंटरेक्टिव क्लासेस के माध्यम से। और संडे को भी 10 से 11 के बीच में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सही मायने में तो मुझे मैसेज छोड़ो, आप क्लासे मुझे बताओ, है ना, कि आप कुछ और डाउट्स रह गया जो कि आप संडे को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पहले 2 घंटे पहले बताना पड़ेगा क्योंकि मैं संडे को बहुत बिजी रहता हूँ। सिर्फ 10 से 11 के बीच में ही आप लोग क्लासेस फिर से ले सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ और भी डाउट क्लासेस को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स नेवर सबको बताइए कि वो ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले, घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपये कमाने का इससे बेस्ट कोर्स पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। इस बात को अच्छा, वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, रिटायर्ड पर्सन हो, रिस्टार्ट पर्सन हो, अब तो आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रहा है, इसलिए सोने पर सुहागा। और एक बार जीवन में हमेशा याद रखिए, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको जीवन में अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करना होगा अमीर बनने के लिए, जैसा मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगनिंग।